नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है करेंट इवेंट में। 2017 की बंद रिपोर्ट 2018 के फरवरी महीने में ये प्रकाशित की गई है भारत सरकार के द्वारा, और इससे प्रश्न आने की संभावना है। जो स्टूडेंट आईएएस, जेपीएससी, बीपीएससी या फिर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जनरल अवेयरनेस और करेंट अफेयर्स में ये सारे प्रश्न आएंगे। वन स्थिति रिपोर्ट 2017 जो फरवरी 2018 में प्रकाशित की गई, इसके मुताबिक विश्व के टॉप 10 कंट्री में भारत भी है। भारत को यह स्थान 8वां रैंक में दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा यह स्थान दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2017-18 में 0.94% का वन क्षेत्र का वृद्धि दर्ज किया गया है। इसका मतलब हुआ कि लगभग 1% की वृद्धि दर्ज हुई है। अब आपको हम ये बता दें कि भारत में इस वक्त 2018 के रिपोर्ट के मुताबिक किस राज्य में सबसे ज्यादा वन प्रदेश है। इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश, और दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे नंबर पर है छत्तीसगढ़। अगर ये प्रश्न आता है कि अपने कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत के अनुसार सबसे ज्यादा किस राज्य में है, तो सही उत्तर होगा लक्षद्वीप में। दूसरे नंबर पर होगा मिजोरम, और तीसरे नंबर पर होगा अंडमान निकोबार। ये तो हुआ डेटा वाइज जो क्वेश्चन आएगा। अब आपको हम ये बता दें कि 2018 का जो रिपोर्ट 2017 के अनुसार प्रकाशित की गई है, इसके मुताबिक सबसे बेहतर राज्य जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, इसमें आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक का नाम है। तीनों राज्य दक्षिण भारत के हैं। आपको हम ये भी बता दें कि ये जो प्रकाशन है, देखिए भारत में घने वनों का बहुत ज्यादा विकास हुआ है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होगी। पृथ्वी की औसत टेम्परेचर 14 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर ये टेम्परेचर 2 डिग्री बढ़ जाता है तो आइस मेल्ट करेगा, और आइस अगर मेल्ट करता है तो इसके बाद दिक्कतें ये आएगी कि समुद्र का जल स्तर ऊपर जाएगा और कई देश के डूबने का खतरा होगा। एक अच्छे इकोलॉजी के लिए, इकोसिस्टम के लिए पूरे पृथ्वी के 33% भाग पर जंगल होना चाहिए, माउंटेन के 80% भाग पर जंगल होना चाहिए, और एग्रीकल्चर लैंड में 20% भाग पर जंगल होना चाहिए। भारत में अभी 24.94% ही जंगल बचा है, यानी कि लगभग 24.5% के आसपास भारत में वन है। ये ग्रोथ हुआ है, ग्रोथ क्यों हुआ ये भी आपको समझाएंगे। ग्रोथ होने का मुख्य कारण है भारत के वन प्रदेश के डेफिनेशन में बदलाव करना। जहां पहले बड़े और घने पेड़ों को जंगल कहा जाता था, अब डेफिनेशन के मुताबिक बांस के पेड़ या पौधा को भी जंगल की श्रेणी में रखा गया है। इसे 5 प्रकार से वर्गीकृत कर दिया गया है, जिसमें खास करके संरक्षित और आरक्षित वन आते हैं, यानी कि कुछ रिजर्व फॉरेस्ट है जिसे कभी भी नहीं काटना है, और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होता है। साथ में हम आपके साथ सोशल फॉरेस्ट्री की भी बात करेंगे। 1986 के दशक के बाद ये सोशल फॉरेस्ट्री का कॉन्सेप्ट आया था, सामाजिक वानिकी का। इसका अर्थ ये था कि जंगल लगाते समय कुछ ऐसे पेड़ पौधे को लगाया जाए जिसको बाद में काटा जा सके, यानी कि जिसको बाद में आर्थिक रूप से इम्पोर्टेंस देते हुए उसे काट कर आर्थिकी निकाली जा सकती है। पर कैपिटा एबिलिटी के दृष्टिकोण से भारत का अच्छा प्रदर्शन नहीं है, क्योंकि भारत की जनसंख्या अधिक है। आप समझ सकते हैं कि भारत में 382 व्यक्ति का प्रति व्यक्ति घनत्व है भारत में,
और ऐसे में पर कैपिटा घट जाता है। भारत में सिर्फ 2.4% ही जमीन है, उसमें ये अच्छा प्रदर्शन माना जा रहा है, टॉप 10 कंट्री में लाया गया है। इससे ये फायदा होता है कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा और संयुक्त राष्ट्र संघ की कई ऐसे योजनाएं हैं जिसका अनुदान सीधे तौर पर मिलता है। आप हमारे साथ सीधा जुड़े रहेंगे करेंट अफेयर्स के सारे टॉपिक के साथ में जीएसआर विनय चाहिए एकेडमी पर। नमस्कार।